बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज सुबह जो वज़ीर आज़म अजाज़ शुईद की तरफ से नोटिफिकेशन था कि आज से लॉकडाउन पे अमल कराया जाएगा, इसमें आज सुबह होते हुई बरनाला में कुड़जामल में लोगों ने दुकानें खोल ली थी। उसके बाद एसी बरनाला और एसएचओ बरनाला मौके पर पहुंचे और उनसे मुज़ाकरात किए। तो कुड़जामल में लोगों ने 1.5 से 2 घंटे इत्तेजाज किया। उस मौका पर एसएचओ बरनाला मलिक रिजवान साहब और एसी बरनाला इकबाल हुसैन साहब मौजूद थे। उन्होंने उनसे मुज़ाकरात किए हैं और ताजर बलादरी कुड़जामल ने 2 दिन का टाइम दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर देख ले 2 दिन में अगर कोई लॉकडाउन में नरमी हो तो बेहतर है, वरना हम फिर इत्तेजाज करेंगे। उससे आगे हमारा बाजार मोइल बाज़ार है, उसमें सुबह से ही लॉकडाउन रहा है। ताजर बलादरी ने इंतज़ामिया के साथ तावन किया है और चौकी अफसर मलिक शाह नवाज साहब ने बहुत अच्छा काम करते हुए अपने बाजार में लोगों से अच्छे तरीके से तावन किया है और लोगों ने चौकी अफसर साहब से भी तावन किया है। और पूरी तहसील में अगर बाजार बंद रहा है तो सिर्फ मोइल बाज़ार बंद रहा है। तो लोग ज़ाहिर है इस मामले में परेशान हैं कि आगे उनके बिजली के बिल का मामला है, लोगों की दुकानों का मामला है, किरायों का मामला है। लोगों ने फिर भी वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से अपील की है कि कोई समान लॉकडाउन पे तवज्जो दी जाए।